एक आदमी सपना देख रहा था और सपने में उसने देखा कि वो मीट काट रहा है, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो वो हैरान हो गया, दर्द के मारे चिल्लाने लगा, डॉक्टरों के पास पहुंच गया और उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। क्या है ये पूरी बात, चलिए जब जब मैं जानते हैं। और मैं हूँ मेघा, नमस्कार। सोते समय सपना देखना आम बात है दोस्तों, और कई बार हम सपने में ऐसी चीजें देख लेते हैं जो असल जिंदगी में होती नहीं है। कई ऐसे भी लोग होते हैं जो सपने में हाथ पैर चलाते हैं, कई लोग तो नींद में चलते चलते घर के बाहर भी निकल जाते हैं। अब जरा सोचिए कि क्या कोई ऐसा सपना देख सकता है कि जब वो उठे तो उसके शरीर का कोई हिस्सा कट जाए। ये बात सुनने में बहुत अजीब और गरीब लगेगी, लेकिन ये मामला अफ्रीका में हुआ है। अफ्रीका में घाना में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। घाना के रहने वाले 47 साल के कोफी अट्टा नाम के शख्स ने अपने सपने में देखा कि वो घर वालों के लिए स्वादिष्ट खाना बना रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, और इस दौरान वो एक मांस का टुकड़ा उठाता है, उसे काटने लगता है। लेकिन ये सब चीजें वो सपने में देख रहा था और असलियत में वो एक ऐसा खौफनाक काम कर डालता है कि अब उसे उसका खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। सपने में मीट काटते काटते वो असलियत में अपने प्राइवेट पार्ट को ही काट देता है। शख्स ने सपने में मांस का टुकड़ा काटते काटते अपने ही हाथ से अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया। अब जरा सोच के देखिए वो इंसान किस गहरी नींद में और किस अवस्था में होगा कि उसे मीट के टुकड़े में और प्राइवेट पार्ट में कोई अंतर नजर नहीं आया। लेकिन जब उसे तेज दर्द हुआ, उसे महसूस हुआ, तो उसकी आंखें खुल गई। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके हाथ में एक चाकू है और उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। इस घटना के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा कि हाथ में चाकू आया कहां से, जबकि वो तो सो रहा था। खैर, जब दर्द हुआ तो उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और आनन फानन में उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पर अब उसके लोग प्राइवेट पार्ट कटने की वजह से काफी खून भी बह गया था, ऐसे में वो बेहोश हो गया। हालांकि डॉक्टर्स ने उसका इलाज भी किया, लेकिन कहा यह गया कि पूरी तरह से ठीक होने में उसे बहुत वक्त लगेगा और बहुत सारी सर्जरी करनी पड़ेंगी जो काफी महंगी है। अब कोफी के दोस्तों ने उसके लिए फंड जमा करना शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द उसकी सर्जरी हो और उसकी हालत ठीक हो सके। वाकई में लोग इस गहरी नींद में भी सो सकते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं अपने खोजी दिमाग से पता लगा कर कि शख्स के हाथ में चाकू कैसे आया जबकि वो बेड पे सो रहा था? अजब गजब में अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।